चैत्र नवरात्रि के अवसर पर हल्द्वानी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की खास भीड़ देखी जा रही है। हल्द्वानी से सटे बेरी पड़ाव में अदष्ट सद्भुजा महालक्ष्मी मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां माता के सभी नौ रूप विराजमान हैं। ऐसे में दूर दूर से श्रद्धालु यहां आकर मां दुर्गा की आराधना करते हुए आशीर्वाद ले रहे हैं। महामंडेश्वर सोमेश्वर यति महाराज ने बताया कि इस समय बसंत नवरात्रि है क्योंकि वसंत का महीना शुरू हो रहा है, साथ ही नव संवत्स की शुरुआत हो रही है। इस नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। वहीं शहर के तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है और आज से हम सभी लोगों का नव संवत्सर शुरू होता है। आज के दिन से ही नव वर्ष का आरंभ होता है। पिंगल नाम संवत्सर से यह शुरू हुआ है और नवरात्रि के इस पावन अवसर पर बसंत ऋतु का आगमन होता है, इसीलिए इसे बासंति नवरात्रि कहते हैं। इस बासंति नवरात्रि में मां भगवती की आराधना का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और इसी बासंति नवरात्रि में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसे रामनवमी के रूप में हम लोग मनाएंगे आगे चलते। और यह वर्ष नए संवत्सर सुख समृद्धि प्रदान करेगा और मां भगवती की आराधना से सभी प्रकार की जो हमारे फल है वह प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवती सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। और दुर्गा सप्तशती कवच कीला गर्गला और चतुर्थ अध्याय का पार करने से मनुष्य को सुख समृद्धि प्राप्त होती है।